भोपाल में आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने 175 सिलेंडर वाला ऑक्सीजन प्लांट तैयार किया है। इस प्लांट का उद्घाटन चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग ने किया है। मंत्री विश्वास सारंग ने आरकेडीएफ ग्रुप की प्रशंसा करते हुए कहा कि आरकेडीएफ ग्रुप प्रबंधन साधुवाद का पात्र है जिन्होंने इतने कम समय में प्लांट का निर्माण करवा दिया। अब यहां भर्ती मरीजों को ऑक्सीजन की समस्या नहीं होगी, अब ऑक्सीजन यहीं पर बनाई जाएगी। प्लांट का उद्घाटन करते हुए आरकेडीएफ के चेयरमैन डॉक्टर सुनील कपूर ने प्रदेश सरकार की तारीफ की और कहा कि सरकार से पूरी मदद मिल रही है, मदद के कारण ही जल्दी प्लांट का निर्माण संभव हो पाया। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर कोरोना को भगाना है तो वैक्सीन लगाना है। साथ में निजी अस्पतालों से भी आह्वान किया कि अपने अपने कैंपस में ऑक्सीजन प्लांट लगवाएं। कॉलेज में 175 प्रतिदिन का सिलेंडर का एक आज चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने अभी उद्घाटन किया। सर, कैसे देखते हैं, ऑक्सीजन की भारी किल्लत थी पिछले अप्रैल में, देखा जा रहा था। जिस प्रकार से इस कोरोना महामारी की इलाज में ऑक्सीजन एक बहुत बड़ा एलिमेंट है और पूरे देश में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के निर्माण की एक सीमा है, इसलिए हमने विगत दिनों जिस प्रकार से ऑक्सीजन को लेकर चुनौती प्रस्तुत हुई तो यही निश्चित किया था कि अलग अलग स्थानों पर हम ऑक्सीजन यूनिट लगाएं और खासकर ऑक्सीजन सेपरेशन यूनिट के माध्यम से ऑक्सीजन का निर्माण हो। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी ने एक अच्छा काम किया, उन्होंने यहाँ प्लांट लगाया है और ये लगभग 225 बिस्तरों तक ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित कर रहे हैं। सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि इसी तरह से ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए हम जहां संभाग स्तर पर बड़े प्लांट लगाएंगे, हर जिले में प्लांट लगाएंगे ऑक्सीजन के, और जो हमारे प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल फैसिलिटीज हैं उनको भी प्रेरित करेंगे कि वो इस तरह के ऑक्सीजन प्लांट लगाएं जिससे ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित हो। सर, ये कोरोना का देखेगी तो ग्रामीण तक पहुंच गया है, तो क्या वहां भी ऑक्सीजन प्लांट की सबसे बड़ी जिले अभी जो मेडिकल जो एस्टेब्लिशमेंट है वहाँ तो ऑक्सीजन प्लांट लगे ये सुनिश्चित कर ही रहे हैं। सर, इससे क्या लगता है जो आयात है वो बंद हो जाएगा क्योंकि अब यही बनना शुरू हो गया? दोनों चीजें, जिस प्रकार से यदि थर्ड वेव आती है तो वो तो हमें उसकी जरूरत पड़ेगी, परंतु यदि ऑक्सीजन की और जरूरत पड़ेगी तो इस तरह के प्लांट उसकी भरपाई करेगी। और अगर हम बात करें कि जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, वहाँ भी कैसी योजना बनाई जा रही है कि पूरे प्रदेश में अभी मुख्यमंत्री का बयान आया था कि 75 ऑक्सीजन प्लांट बनाए जा रहे हैं पूरे प्रदेश। मैंने जैसे बताया संभागीय स्तर पर, जिला स्तर पर और जिले के अंदर काफी जगह ऐसे प्लांट बन रहे हैं और सरकार ने 50% सब्सिडी की भी योजना बनाई है। ऐसा यदि कोई प्राइवेट सेक्टर में प्लांट लगाना तो 50% सब्सिडी दी जाएगी। तो हमारे साथ आरकेडीएफ ग्रुप के चेयरमैन, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, आरकेडीएफ ने एक बड़ा प्लांट लगाया है जिसकी तारीफ चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने खुद ही की। ये प्लांट 225 बिस्तर के लिए ऑक्सीजन के लिए काफी है। प्योरिटी ऑफ ऑक्सीजन 95-96% है, हवा से ऑक्सीजन मिल रही है, अब इसमें कोई लिक्विड ऑक्सीजन की हमें जरूरत नहीं है। ऐसे ही सेम प्लांट अगले 7 दिन में और लग जाएगा, हमें ऑक्सीजन के लिए दर दर ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी ना मांगना पड़ेगा। रेमडेसिविर इंजेक्शन भी आरकेडीएफ अब डायरेक्ट खरीद रहा है तो ना रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए हमें किसी को कहना पड़ेगा। 250 MBBS MD डॉक्टर हैं और इतने ही होम्योपैथी के MD और डॉक्टर हैं। 500 नर्सों के साथ हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट इलाज करें। ऑक्सीजन के द्वारा हमने हजारों लोगों की जान बचाई है, इसी ऑक्सीजन के द्वारा ये ऑक्सीजन में एक कंसेप्टर और लग रहे हैं, उसके बाद ये हम ऑक्सीजन दूसरों को भी दे सकेंगे, एक और किसी कॉलेज को भी दे सकेंगे। ये जो प्लांट है ऐतिहासिक है, 4 दिन के अंदर तैयार हुआ है, ये हमारे लिए भी बड़ी फख्र की बात है। सर, आरकेडीएफ ने तो ये किया है, क्या आप और लोगों से कहेंगे कि ऑक्सीजन, क्योंकि जिस तरह की किल्लत पूरे देश में, प्रदेश में, महानगरों में हो रही है, क्योंकि प्राण वायु से कहा जाता है, मरीज कितना भी संक्रमित हो जाए अगर ऑक्सीजन उसे मिलता रहेगा तो वो जीवित रहता है, तो क्या सबसे अपील है कि सब लोग ऑक्सीजन प्लांट लगाएं, लिक्विड ऑक्सीजन की या हवा में ऑक्सीजन है उसको यूज करें, ओजोन के से O3 से O2 से ऑक्सीजन बनाएं और लोगों को सप्लाई करें। तो सरकार भी इसमें हेल्प कर रही है बहुत सारी, की आप सरकार की तरफ से बड़ी मदद है। सर, पूरा प्रशासन हमारे लिए मदद के रूप में खड़ा है, मैं प्रशासन का और आदरणीय CM का बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर, आज अभी चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने इसका उद्घाटन किया, तो क्या कोई आपको सलाह या सुझाव देके गए? उन्होंने कहा कि ऐसा करिए कि हमें
ये प्लांट में इतनी ऑक्सीजन हो जाए कि 750 बेड के लिए हमें किसी से ऑक्सीजन की जरूरत ना पड़े, ऐसा है और ऐसा ही होगा। अभी कितने कोविड पेशेंट का इलाज हम आरकेडीए कॉलेज में अभी आप कर रहे हैं? 225 पेशेंट सरकार द्वारा दिए गए हैं और 225 के करीब अब हमारे पेशेंट हैं जिनका हम इलाज करते हैं। अभी आप देखें डॉक्टर, हम बात करें कि आरकेडीए कॉलेज तो सारी चीजें कर ही रहा है, अप्रैल की तुलना में मई में कोरोना, क्योंकि आप डॉक्टर भी हैं इसलिए जनता ये आवाज पहुंचानी जरूरी है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन कितने लोगों के लिए जरूरी है और इसकी किल्लत क्यों हो रही है? रेमडेसिविर के ज्यादा इसमें स्टीराइड की जरूरत है और ऑक्सीजन की जरूरत है। जिस पेशेंट को ज्यादा सीटी स्कैन में लंग्स में ज्यादा डैमेज है उसको रेमडेसिविर में जरूरत है। रेमडेसिविर की किल्लत मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इसकी जरूरत है, क्योंकि दबाव होता है पेशेंट का, पेशेंट को दूसरों के द्वारा बताया जाता है कि रेमडेसिविर लगे, इसलिए रेमडेसिविर का नाम लिया जा रहा है। इसमें स्टीराइड और ऑक्सीजन ही सब कुछ है। अच्छा, लोगों से कहा जा रहा है कि अगर रेमडेसिविर लग जाता है तो वो रामबाण का काम करता है। रामबाण का काम उसमें करता है जिसमें लंग्स डैमेज है, यदि लंग्स डैमेज नहीं है तो रेमडेसिविर लगाना ठीक नहीं। तो ये भ्रम है कि मतलब लग जाएगा कैसा पेशेंट को ठीक हो जाएगा, मेन है ऑक्सीजन मिलना। ऑक्सीजन मिलेगा, हाई फ्लो ऑक्सीजन मिलेगा तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। सर, मई अप्रैल की तुलना में मई में इस बेग को कैसे देखते हैं आप? मई में अप्रैल में बहुत मारामारी थी लेकिन अब बहुत स्थितियां ठीक हो रही हैं। देखिए, मई में वेव तो कम नहीं हुई है, पर चूंकि सिस्टम ज्यादा इंप्रूव हो गए हैं, सरकार के सिस्टम बहुत अच्छे हैं, पेशेंट के इलाज के लिए लोगों ने इक्विपमेंट बहुत खरीद लिए हैं, जैसे हमने ही 45 वेंटिलेटर खरीद लिए हैं और बाईपैप की 45 मशीनें खरीद ली हैं, इस सबसे इलाज में सक्षम हो गए। सर, ये हमारा आखिरी सवाल है सर ये कि आप चूंकि उस प्रोफेशन से जुड़े हैं, अभी दूसरी लेयर चल रही है, एक्सपर्ट का कहना है कि तीसरी लेयर भी आने वाली है और वो लेयर बच्चों पर ज्यादा नुकसान करेगी। यदि हम लोगों ने वैक्सीनेशन लगा लिया तो तीसरी या कोई और लेयर नहीं आएगी। वैक्सीनेशन ही इसका सबसे बड़ा हथियार है और वैक्सीनेशन जो है जितने भी आदमियों को लगाए उनको कोरोना नहीं होता। अपील सर आपकी यही है कि वैक्सीनेशन सब लोग लगवाएं, आगे होके लगवाएं। इस तरीके से प्राइवेट सेक्टर के लोग अगर आएंगे और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि ऑक्सीजन की किल्लत ना सिर्फ महानगरों में और वो बल्कि गाँव में भी ऑक्सीजन की किल्लत खत्म हो जाएगी। तो साफ तौर पर सराहना की गई है और निश्चित तौर पर जिस तरीके से ऑक्सीजन की किल्लत पूरे प्रदेश में या पूरे देश में आ रही थी वो इस अगर ऐसे प्लांट बनते हैं तो ये ऑक्सीजन की किल्लत कुछ ही दिनों में बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। इस पर हमारे साथ यहाँ के सीईओ हैं, उनसे जाने की कोशिश करते हैं। हम कैसे देखते हैं आपका प्लांट लगाया, चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने खुद ही तारीफ की है। हमारे लिए आरकेडीएस ग्रुप के लिए ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है कि हम ये ऑक्सीजन प्लांट लगा सके। इसमें हमारे चेयरमैन सर का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने सबसे शीघ्र ये सोचा कि हमें इसकी जरूरत है, हम आत्मनिर्भर बने, हमारा ग्रुप आत्मनिर्भर बने, जो कि मोदी जी भी कहते हैं। तो अब हमारे पास अपने पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए खुद का ऑक्सीजन होगा, हमें किसी पे डिपेंड नहीं करना होगा, ये बहुत बड़ी हमारे लिए। हम कैसे देखते हैं अगर ये ऑक्सीजन लगने से जो बेड तक ऑक्सीजन पहुंचेगी, अब किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, तो क्या क्या लगता है आपको प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत खत्म होगी? बिल्कुल, एक बहुत बड़ा योगदान है आरकेडीएफ ग्रुप का। हर जगह आज की डेट में बेड की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, पेशेंट्स को जो बेसिक दवाएं मिलनी चाहिए उन सब चीजों की कमी है। तो आरकेडीएफ ग्रुप का ये बहुत बड़ा योगदान है कि हम बहुत सारे पेशेंट्स को अब ले सकेंगे जिनको हम पहले नहीं ले पा रहे थे ऑक्सीजन की कमी की वजह से। और खुद का ऑक्सीजन प्लांट होना, सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी जल्दी कहीं पर भी ऑक्सीजन प्लांट अभी मिल नहीं रहा है। मतलब अगर आप कहीं पर भी पता करें तो कम से कम 2 महीने से 3 महीने लगता है एक ऑक्सीजन प्लांट को इम्पोर्ट करना और लगवाना। तो सबसे बड़ा यही उपलब्धि है कि इतनी जल्दी और इतनी शीघ्र हमारे यहाँ एक ऑक्सीजन प्लांट लग चुका है और हम अपनी सोसाइटी को इतना कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। तो मैम, कैसे देखते हैं आप इस आज प्लांट तैयार किया गया, निश्चित तौर पर प्राण वायु से कहेंगे? अभी तक आपने देखा ही होगा कि पूरे देश क्या विश्व में ही पूरे ऑक्सीजन की बहुत कमी है। तो हमारे पेशेंट्स को हम ऑक्सीजन की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी और उनको मिलता रहेगा। ये एक तरह से कोरोना में यदि ऑक्सीजन लेवल ठीक है तो पेशेंट विल बी ऑल राइट, चाहे उसके सीटी स्कैन में कुछ भी आए या कोई भी रिपोर्ट आए, मगर यदि ऑक्सीजन लेवल मेंटेन है तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। प्राण वायु अगर मिल रही है तो वो मैं जीवित है, तो वो हम दे रहे हैं। और ये आइडिया बहुत पहले डॉक्टर सुनील कपूर हमारे आरकेजीएफ वालों के मैनेजमेंट ने सोचा, और हम इंडिपेंडेंट हैं और हम सब कुछ खुद ही करेंगे।
और जो भी सेवा हम कर सकते हैं सब करें। कैमरा पर्सन नंद किशोर सैनी के साथ रविंद्र चौहान, आरकेडीएफ कॉलेज।